गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सब करा चुकी हूँ। स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, कल हमने एडोलसेंस डिस्कस किया था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, जैसे कि आपने कमेंट करके मुझसे पूछा अभी तक कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको प्याजे की थ्योरी कराने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट की हम कुछ थ्योरीज करेंगे, विकास के सिद्धांत, जिसमें जीन प्याजे का सिद्धांत आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन प्याजे। प्याजे का संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का सिद्धांत, इसको हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञान यानी बुद्धि से संबंधित, ठीक है, बच्चे के बौद्धिक स्तर से संबंधित। दूसरा इसमें कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आता है, और तीसरा आता है इरिक्सन का मनोसामाजिक, इरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। यानी प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, कोहलबर्ग ने नैतिक स्तर को बताया है, नैतिक विकास को कि किस तरह से होता है, और इरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कही है। तो ये तीन थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से भी। जैसे कि आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन हर यूनिट से दो आते हैं, यू हैव टू चूज वन क्वेश्चन, तो उसमें से आपका प्याजे की थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि मोस्टली पेपर में पूछी जाती है, या तो इसमें से चॉइस आती है प्याजे या कोहलबर्ग में से, या तीनों थ्योरी में से आप ये तीन थ्योरी या दो थ्योरी भी कर लेते हैं प्याजे कोहलबर्ग, तो आपका आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इस यूनिट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट था, इसका प्रिंसिपल्स और इसका मीनिंग ये भी जरूरी है, और प्याजे की थ्योरी जो मैं करवा रही हूँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम करते हैं प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन प्याजे, जो कि स्विस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। जीन प्याजे ने कुछ स्टडी की थी और बताया था कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं, देखिए एक प्याजे की कोटेशन है बड़ी अच्छी, कि उन्होंने कहा है चिल्ड्रन क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, बच्चे हैं वो दुनिया के संबंध में अपनी समझ खुद विकसित करते हैं, विकसित करते हैं जी। यानी क्या है कि वाइगोस्की ने कहा है, आपके सिलेबस में वाइगोस्की नहीं है, लेकिन आप अगर वैसे पढ़ेंगे, सीडीपी आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वाइगोस्की कहते हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है, सोशल इंटरेक्शन है, उससे बच्चे समझते हैं, सीखते हैं, बौद्धिक डेवलपमेंट उनका होता है। लेकिन जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि इंटरेक्शन तो है ही, बट बच्चे खुद सृजन करते हैं, ना कि कोई उनको सिखाता है, ठीक है। एनवायरमेंट से भी सीखते हैं, लेकिन बच्चे खुद देखकर खुद सीखते हैं, अपनी समझ का खुद सृजन करते हैं, अबाउट द वर्ल्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। तो प्याजे की जो हम बात करते हैं, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो प्याजे की थ्योरी है, बौद्धिक विकास का सिद्धांत है, वो एक व्यापक थ्योरी है, व्यापक सिद्धांत है, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि का, मानव बुद्धिमत्ता का, की प्रकृति और उसके विकास के बारे में बताता है। द थ्योरी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ एंड हाउ ह्यूमन ग्रेजुअली कम टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट एंड यूज इट। ये बताती है कि जो नॉलेज है वो किस तरह, प्रकृति अपने आप में किस तरह की उसकी प्रकृति है, नेचर है, यानी किस तरह की होती है, और किस तरह जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, बच्चे हैं, धीरे धीरे इसको एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, यानी अर्जन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको फ्रेम करते हैं और उसको प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो प्याजे की थ्योरी की हम बात करते हैं, इन्होंने चार स्टेजेस बताई हैं, फोर स्टेजेस में इन्होंने कुछ बच्चों पर रिसर्च की थी, और रिसर्च को धीरे धीरे इन्होंने देखा किस तरह बच्चे क्या क्या चीज में परिपक्व हो रहे हैं, कैसे कैसे उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, वो अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, और इस तरह उन्होंने एक रिसर्च के आधार पर अपना जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो दी थी। प्याजेज थ्योरी इज मेनली नोन एज अ डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, ठीक है। जो प्याजे की थ्योरी है मुख्य रूप से विकास के स्तरों की चर्चा करती है, जो विकास की अवस्थाएं हैं, जैसे कोहलबर्ग की अब हम अगर आगे थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या है, उन्होंने नैतिक विकास बताया किस तरह स्तरों में होता है, चरणों में होता है, ठीक है। और जो प्याजे हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव जो लेवल है बच्चे का आगे बढ़ता है, यानी फर्स्ट उन्होंने 0-1 यानी जन्म से लेकर एक वर्ष की आयु से लेकर एडोलसेंस तक बताया है कि किस तरह बौद्धिक विकास स्तरों में होता है, ठीक है। प्याजे थिंक दैट चिल्ड्रन
हैव ग्रेट कॉग्निटिव एबिलिटीज। पियाजे सोचते थे कि बच्चों में बहुत ज्यादा ग्रेट कॉग्निटिव, बहुत महान या ग्रेट संज्ञानात्मक जो योग्यताएं हैं वो होती हैं। ही केम अप, जैसे मैंने बताया ना, खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो। ही केम अप विद 4 डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो है, आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की है, चार बुद्धि के चार स्तरों में, संज्ञानात्मक विकास के चार स्तरों में दिखाई देता है। चार स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, विच ही पुट इनटू टेस्टिंग, जिसको उन्होंने टेस्टिंग में रखा। मैंने बताया ना कि उन्होंने रिसर्च की थी बच्चों के ग्रुप पे। ही टेस्टेड इन 4 स्टेजेस एंड डिटेल्ड एंड गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज थ्योरी। उन्होंने चार जो स्टेज हैं उनमें उनकी रिसर्च की थी, चार स्टेजेस उन्होंने शो करी और उसको देखा चार स्टेजेस में परख के, और अब फिर अपनी थ्योरी दी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया डिटेल में, व्यापक रूप से अपना सिद्धांत दिया, जिसको हम पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हैं, इनकी डिटेल में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं उनके नाम बताती हूँ कि कौन कौन सी स्टेज पियाजे ने दी है, जिससे आप थोड़ी सी इनकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन थ्योरी का, और इन स्टेजेस को आप अच्छे से आप रिकैप्चुलेशन करिएगा, क्योंकि स्टेजेस भी आपको इसमें, हमें क्या है कि इसमें आगे पीछे हम नहीं कर सकते, सीक्वेंस वाइज ये हिराकी दी है पियाजे ने, 1 by 1 करके हम स्टेज पर बढ़ते हैं। पहली जो है वो फर्स्ट स्टेज है, वो फर्स्ट ही रहेगी, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी 4th स्टेजेस की, कि कौन कौन सी पियाजे ने बताई है। देखिए, फर्स्ट स्टेज पियाजे ने बताई है सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको कहते हैं इंद्रिय या पेशीय गामक अवस्था। ठीक है, सेंसरी संवेदी गामक अवस्था भी इसको कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है पियाजे ने माना है 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था रहती है बच्चे में। संवेदी गामक, इंद्रिय गामक या पेशीय गामक सेंसेस। प्रीपोशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहते हैं। ठीक है, पहली क्या हो गई थी संवेदी गामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हम इसको। इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष, पहली 0 से 2, फिर 2 से 7 वर्ष। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त यानी इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, मूर्त स्तर पर होता है, अभी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट पर नहीं पहुंचा है। चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी का एज ग्रुप मानते हैं हम 7 to 11 एंड फोर्थ का मानते हैं 11 to 18। 11 कुछ लोग 15 भी कहते हैं, तो 11 to 18 उन्होंने बताया है। यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको, ये चारों आपको याद रखनी है, जिनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। और कल की क्लास में हम इसको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं इसको आपको एसेंस बताऊंगी, क्योंकि हम जब भी बुक में पढ़ते हैं कुछ ज्यादा ही डिटेल दिया होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको लिमिटेड सेलेक्टेड कंटेंट इन सबका बताऊंगी, जिससे आप इनका एसेंस समझ जाएंगे हर स्टेज का, और आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे। आप इसको इतना अप्लाई कीजिए, इसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया, क्या बताया थ्योरी में और किन किन स्टेज को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो कल हम इसका इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे।